नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि YouTube पे तो आप वीडियो बनाते हो, पर वीडियो के साथ साथ जो म्यूजिक चाहिए वो आप कहाँ से लाएंगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हमारे चैनल टिंकू सुपारी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों YouTube पर जब भी कोई आप वीडियो बनाते हैं उसके पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है वो आप कहाँ से लेंगे, इसके लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, हमारे साथ सीधे आपको चलना है क्या YouTube प्लेटफॉर्म पे चलना है, YouTube का जो मेन वेबसाइट है youtube.com उस पे चलना है और वहाँ से आपको मैं डाउनलोड करने का तरीका बताऊंगा। वहाँ से आप डाउनलोड करेंगे YouTube म्यूजिक को और साथ ही साथ उसको यूज करके मैं बताऊंगा कि आप वीडियो में इसे कैसे यूज कर सकते हैं, वो सारी प्रोसेस मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, क्रोम को ओपन करना है। जैसे यहाँ से आप ओपन करेंगे यहाँ पे टाइप करना है youtube.com youtube.com। जैसे ही ये पेज खुलेगा आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए दोस्तों ये पेज खुल चुका है और सिंपली आप यहाँ पे अपने चैनल के लोगो पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आप चले जाएंगे यहाँ पे व्यूज योर चैनल, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद ये नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है, ये मेरा टिंकू सुपारी का चैनल का पेज आ चुका है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कस्टमाइज चैनल, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे नीचे का ऑप्शन जो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे वो है म्यूजिक का ऑप्शन। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे म्यूजिक वाले ऑप्शन पे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे जितना भी म्यूजिक आपको मिलेगा वो सारा नॉन कॉपीराइट म्यूजिक होगा, यानी कि इस म्यूजिक को आप आसानी से यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा म्यूजिक है, जैसे मान लीजिए इसमें से मैं किसी एक को प्ले करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे ही आप इस पे दबाएंगे इसका साउंड भी आप सुन सकते हैं, देखा आपने। इसी प्रकार से अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। देख सकते हैं डाउनलोड फाइल ये हो रहा है। इसी प्रकार से मान लीजिए अगर आपको और भी कुछ चाहिए, दूसरा म्यूजिक चाहिए, तो यहाँ से जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ये बज रहा है म्यूजिक। अब आपको यहाँ से क्या करना है, इसे डाउनलोड करना। चलिए डाउनलोड हो रहा है दोस्तों, डाउनलोड होने देते हैं इसे। अब इस म्यूजिक को आपको यूज कैसे करना है वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से वीडियो एडिटिंग वाले ऐप में जाना होगा। जैसे मान लीजिए मैं काइनमास्टर का यूज कर रहा हूँ तो मुझे काइनमास्टर एप्लीकेशन में जाना होगा। चलिए सिंपली यहाँ से वीडियो को पहले पॉज कर लेते हैं, ओपन करेंगे ये ओपन होगा। जैसे ये खुलेगा मैं आपको अभी बता रहा हूँ कैसे क्या करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे आप अपना रेशियो 60:9 वाला रेशियो लेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आपको क्या करना है, वीडियो का एक पार्ट यहाँ से उठाना है। जैसे मान लीजिए यहाँ से मैंने ये पार्ट उठाया और आपको यहाँ पर क्या करना है, साइड में देख सकते हैं यहाँ ऑडियो का ऑप्शन है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ऑडियो वाले सेक्शन पे यहाँ पे वो डाउनलोड ऑडियो यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ पे जैसे ही नीचे जाएंगे देख सकते हैं दोस्तों ये है, देख सकते हैं आवाज़ सुन सकते हैं, ये म्यूजिक है। इसको आप प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे यस का टीका है इसको क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे ये म्यूजिक ऐड हो चुका है। और जहाँ तक वीडियो है उसके बाद वाला पार्ट को आपको यहां से क्या करना है, कट कर लेना है। कैंची का निशान दिख रहा है इस पर सिंपली क्लिक करेंगे और राइट वाला ऑप्शन जो दिख रहा है सेकंड वाला ऑप्शन, अब आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे और यहां पे टिक लगा है, ओके का निशान दिख रहा है यहां पे, सही का निशान, बस यहां पे क्लिक करेंगे। अब आप यहां पे देख सकते हैं, चलिए मैं सिंपली मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको, देख सकते हैं साथ ही साथ म्यूजिक भी बज रहा है यहाँ पे।
तो मैंने बता दिया आपको ये सिंपली कैसे आपको सेट करना है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं इस वीडियो को, अब यहाँ से आप वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे। यहाँ से थ्री डॉट पे क्लिक करके राइट साइड में इधर दिख रहा होगा, यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं वीडियो। तो आई होप दोस्तों आज का ये हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।